गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जयमदान। हमें हजारों मेल्स आ रहे हैं जो लोग शो में छोटी छोटी हमारी आसान बताई हुई टिप्स को आजमाकर बहुत सारा फायदा उठा पा रहे हैं। अगर आप भी उनमें से एक है तो हमें लिख भेजिए, हो सकता है हम आप ही को अपने शो में शामिल करें। लेकिन ये तो बात है बात की, अभी शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइन से। लक्ष्मी माँ के 8 उपाय आपके पैसे से जुड़ी हर समस्या समाप्त कर देंगे। कैसे मैं बताऊंगी। सूरजमुखी आपकी हर बीमारी हर संकट को दूर भगाएंगे। खास तरीका बताने वाली हूँ। जिंदगी के दुख भगाने वाले 16 सूत्र आपको बनाएंगे बेहद खुशहाल। दुकान और ऑफिस में वास्तु के हिसाब से करें बदलाव, मुनाफा ही मुनाफा होगा। क्या आपके घर में एक जने का दूसरे जने से झगड़ा रहता है? क्या एक दूसरे के बीच प्यार की कमी है? अगर है तो परेशान मत होइए, सूरजमुखी का फूल सब ठीक कर देगा। ये उपाय आगे बताऊंगी, लेकिन पहले माँ लक्ष्मी की कृपा पाने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होगी बेहतर, ये जानते हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा अगर आप पाना चाहते हैं तो छोटे छोटे आसान उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। इसको करने से आपकी किस्मत खुल जाएगी। जैसे एक ताला और एक चाबी, आप किसी दुकान से ताला चाबी खरीद लाएं। ध्यान ये रहे कि जब आप ताला चाबी खरीदते हैं तो यूजुअली दुकानदार की आदत होती है ना, मैडम चेक कीजिए देखिए लग रहा है, ऐसे आपको नहीं करना है। ताला चाबी आपको खुलवाना नहीं है, ना दुकानदार से ना खुद खोलकर देखना है। फिर ये ताला चाबी आप शुक्रवार को खरीद कर रात भर अपने साथ बिस्तर पर रखकर सो जाएं। फिर सुबह सैटरडे सुबह इसको अपने साथ पूरा दिन काम वाम पर जाते हैं लेकर घूमिए। अगर हाउसवाइफ है तो कोई बात नहीं, अपने आसपास बैग में डाल दीजिए। शाम को सैटरडे शाम को प्रार्थना करके किसी मंदिर में जाकर इसको रखा है। आपने चाबी लेनी है, ताले में यूं डालना है, घुमाना बिल्कुल नहीं है और ऐसे ही छोड़ाना है, खोल के नहीं देखना है। फिर जैसे ही पुजारी या कोई भी व्यक्ति इस ताले को इस तरीके से खोलेगा तो आपकी किस्मत भी खुल जाएगी। बस आपको लगातार 5 शनिवार ऐसे करना है। ध्यान ये रहे कि आपको ताला चाबी खुला हुआ। फिर जैसे ही पुजारी या कोई भी व्यक्ति इस ताले को इस तरीके से खोलेगा तो आपकी किस्मत भी खुल जाएगी। बस आपको लगातार 5 शनिवार ऐसे करना है। ध्यान ये रहे कि आपको ताला चाबी खुला हुआ नहीं लेना है, बिल्कुल सील्ड होना चाहिए। तो जब भी ये खुलेगा आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। पैसे से जुड़ी एक और बात याद आई कि जब आप पैसा गिनते हैं तो गिनते गिनते ऐसे बिल्कुल मत किया करें, यानी कि अपनी थूक को पैसों पे बिल्कुल ना लगाया करें। ये माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। इस चीज से आपके यहाँ पैसा टिकेगा नहीं। तो जब बहुत सारे नोट गिनने भी हो और लगे मुश्किल कि कैसे गिनेंगे, तो एक छोटी से स्पंज में आप गंगा जल डाल के रखें और उससे जब आप नोट गिनेंगे तो आपके पैसों में प्रॉस्पेरिटी आएगी। अब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का तीसरा उपाय जानिए। एक क्रिस्टल का बाउल ले लीजिए। बाउल में एक चांदी का सिक्का रखेंगे जिस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी बने होंगे। फिर इस कटोरी के ऊपर तक, मतलब जो बाउल आपने रखा है उसमें ऊपर तक पानी भर देंगे। पानी भरकर इसको घर की उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रख देंगे। रोज सुबह ये पानी आप बदलेंगे, पुराना पानी पौधे में डालेंगे और नया पानी आप वापस भर के रख देंगे। ऐसा आपको दीपावली तक करते चले जाना है और उसके बाद आपको हफ्ते के हफ्ते भी आप पानी बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे माँ लक्ष्मी का आपके घर पर आगमन होगा। अब चौथा उपाय जानिए। शुक्रवार के दिन आपको साफ लाल कपड़ा लेना है, उसको उसके अंदर आपको 6 सफेद गुंजा बांध लेनी है। गुंजा आपको पूजा की दुकान में आराम से मिल जाएंगी, इतनी छोटी छोटी चीज होती है व्हाइट कलर की, तो ऐसे छोटी छोटी वो बॉल्स जैसे होती है, तो 6 सफेद गुंजा लेकर इसको बांध देना है अपनी मनोकामना करते हुए कि इस साल में इतने पैसे कमाऊं या सक्सेस हो या जो भी आपकी मनोकामना है। फिर इसको आप अपनी तिजोरी में रख दें और रोज धूप बत्ती जब आप पूजा करते हैं तो तिजोरी पर भी एक बार घुमा लें, मतलब इस पोटली पर घुमा लें, और लक्ष्मी माता आप पर जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी सिर्फ ये करने से। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं कि सुबह सुबह जब आपके घर की कोई फीमेल उठती है, अगर आप फीमेल ही हैं तो आपको ये करना चाहिए, सुबह सुबह उठकर घर के मेन दरवाजे पर जाकर एक लोटा जल आपको डालना चाहिए, मतलब आपको दरवाजे के बाहर चले जाना चाहिए और फिर बाहर जाकर अपने घर की तरफ फेस करना चाहिए। जैसे सपोज ये आपके घर का दरवाजा है और आप दरवाजे के बाहर आ गए तो लोटा लेकर घर की तरफ चेहरा करते हुए डाल दीजिए। फिर इस पानी के ऊपर पैर ना रख के साइड साइड से किनारा होकर निकल जाइए। ये रास्ता जो आपने पानी का बनाया है, ये माँ लक्ष्मी के अंदर आने का रास्ता बनाया है, इसको रोज किया कीजिए।
और एक काम और करिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, नमक कभी किसी खुले बर्तन में नहीं रखना। कई बार होता है ना कि नमकदानी में यूं नमक पड़ा रहता है, नमकदानी का ढक्कन कहाँ चला जाता है, इस तरह से नहीं रखें। अगर आपके घर में नमक खुला रहेगा तो आपके घर में पैसा नहीं टिक पाएगा, ये नहीं करें। और एक काम करें, नियमित रूप से आप पहली रोटी जब भी खाना बनता है घर में, फर्स्ट रोटी हमेशा गाय के लिए निकालें और लास्ट हमेशा डॉग के लिए निकालें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। अगर आपकी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ हो या ना हो, आप हमेशा हर चीज में से कमी निकाल लेते हैं, दुखी रहते हैं, तो आपको खुशहाल बनाने वाले 16 सूत्र मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपके परिवार की प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर के उपाय। वैसे तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको सूरजमुखी का पौधा ना पता हो, यानी कि सनफ्लावर का पौधा ना पता हो। तो अब यही सनफ्लावर हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है, ये है काम की बात। कैसे आपके ग्रहों को शांत कर सकता है, ये खास बातें आज आपको मैं बताऊंगी। तो अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं और उसने आपकी पत्री पढ़ी है और कहा है कि तुम्हारा गुरु ग्रह पीड़ित है, आपको तो बात समझ में नहीं आई और उस वक्त उसने लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी हो उपायों की जो आपके बजट से भी बाहर हो गए, तो परेशान मत होइए। गुरु ग्रह अगर पीड़ित होता है तो यूजुअली फादर से चिक-चिक हो जाती है, आदमी सजेशन अच्छे नहीं देता, जब बोलने लगता है लोग कहते हैं बस कर। तो इस तरह की सिचुएशंस अगर आती हैं तो आप ये उपाय कीजिए। तो जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह खराब है, वो व्यक्ति शुक्ल पक्ष के यानी कि जो अमावस्या के बाद जो दिन चलते हैं, तो शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को दोपहर 12 बजे से लेकर, मतलब 12 बजे के आसपास, 12 से लेकर 2:30 बजे के आसपास, आप किसी नवग्रह मंदिर में जाकर गुरु ग्रह को, जो गुरु ग्रह की मूर्ति होती है, वहां पर सूरजमुखी का फूल अर्पित कर दीजिए। ये उपाय आपको लगातार 9 गुरुवार करने हैं। ऐसा करने से आपको फायदा प्राप्त होगा। अगर आपके बच्चे बदतमीज हैं तो ये उपाय उनसे भी करा सकते हैं। जिन लड़कियों की शादी में मुश्किल आ रही हो वो ये उपाय कर सकते हैं, तो उनका उनकी शादी का योग जल्दी खुल जाएगा। अब और क्या कर सकते हैं, गुरु ग्रह के उपाय बता रही हूँ। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को, जो पहले समझाया था, उसी दिन किसी अच्छे मुहूर्त में आप पहले से मतलब अच्छा समय निकालकर आप इसी की जड़, सूरजमुखी की जड़ को निकाल के ले आए। अब इस जड़ के टुकड़े को आप अच्छे से थर्सडे के दिन स्नान वान कराएं, गंगा जल में नहलाएं, फिर उस जड़ को लेकर आप कम से कम 9 गुरुवार तक लगातार उसी जड़ को, उसकी पूजा अर्चना करें थर्सडे के दिन। फिर इस जड़ को आप पहन लीजिए या इस जड़ को अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए, यह आपको फायदा ही फायदा देगी। जानते हैं जिसका बृहस्पति अच्छा होता है वो इंसान बातचीत से ही पैसा कमा लेता है, तो ये भी आप कर पाएंगे। इसके अलावा सूरजमुखी के जो बीज होते हैं यानी कि सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत फायदेमंद होते हैं, बहुत अच्छी नेचुरल औषधि का काम करते हैं। अगर रोज सुबह एक चम्मच, आप सनफ्लावर सीड्स मार्केट में आराम से मिलते हैं, तो सनफ्लावर सीड्स को अगर आप एक चम्मच खाते हैं रोज, तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है वो कुछ ही समय में कम हो जाएगा। इसके अलावा सूरजमुखी का पौधा अगर आप अपने मकान की सीमा यानी कि बाउंड्री ऑफ योर होम, वहां पर लगाते हैं, तो ये पॉजिटिव एनर्जी को फैलाता है, जिससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है। अगर आपकी दुकान में आपको फायदा नहीं हो रहा है, मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं आ रहे हैं, तो परेशान मत होइए। आपको वो खास टिप्स बताऊंगी जिससे दुकान में, शोरूम में, ऑफिस में मुनाफा बढ़ने लगेगा, थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ वो 16 सूत्र कौन से हैं जिससे आप रहेंगे टेंशन फ्री। तो पहला सूत्र ये है कि अगर गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, यानी कि तन की खूबसूरती के साथ साथ मन की खूबसूरती भी बेहद जरूरी है। तो अगर आप इसलिए परेशान होते हैं कि आप सुंदर नहीं दिखते, तो ऐसा मत सोचिए, बिकॉज इंटरनल ब्यूटी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दूसरा सूत्र, विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, यानी कि जिस इंसान में, जैसे रावण था, वो बहुत ज्ञान वाला था लेकिन विनम्रता नहीं था, अपने आगे वो किसी को कुछ समझते नहीं थे, अहंकार बहुत ज्यादा था। तो अगर आप में विनम्रता नहीं है, मॉडेस्टी नहीं है, तो आपकी विद्या बेकार है। अब तीसरा सूत्र जानिए, उपयोग ना आए तो धन व्यर्थ है, यानी कि अगर किसी जरूरतमंद की आप मदद नहीं कर सकते, फिर चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, वो बेकार है। चौथा सूत्र कहता है कि साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ है,
बड़े से बड़ा युद्ध भी आदमी लड़ सकता है, जीत सकता है। कैसे? अपनी हिम्मत के बल पर। तो अगर आपके पास हिम्मत नहीं है तो जितना ही बड़ा हथियार क्यों ना हो, अब तो खैर हथियार रख नहीं सकते, लीगल नहीं है, लेकिन सूत्र तब के बने हुए जब हथियार रखे जाते थे। तो बेसिकली हिम्मत बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में कोई भी जंग जीतने के लिए। पांचवा सूत्र कहता है कि भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है। अगर जीवन में खुशी है आपके तो नमक के साथ रोटी भी आपको स्वाद लगेगी, और अगर आपके मन में खुशी नहीं है तो फिर चाहे कितना ही सामान आपके आगे पड़ा क्यों ना हो, कितने ही ऐशो आराम क्यों ना हो, आपके लिए सब व्यर्थ है। तो भूख भी तभी काम की है जब आदमी को भूख लगी हो, तभी भोजन भी काम का है। छठा सूत्र कहता है कि होश ना हो तो जोश व्यर्थ है। यूजुअली जो लोग जोश में होश गवा देते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, यूजलेस हो जाती है उनकी एनर्जी। तो अगर आप में कितना भी जोश क्यों ना हो, अगर होश नहीं है, आपको पता नहीं है कि इस जोश को यूज कैसे करना है, तो होश बेकार है। इसके बाद सातवां सूत्र कहता है कि परोपकार ना करने वालों का जीवन व्यर्थ है। जो लोग अपने अलावा दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, बिना स्वार्थ के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है। आठवां सूत्र कहता है कि गुस्सा अकल को खा जाता है। देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ, पर्सनल थॉट है, कि हर चीज की जिंदगी में थोड़ी जरूरत है। अगर थोड़ा गुस्सा नहीं है तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपको गलत चीजों पर रौंदा जाएगा, क्योंकि फाइनली हम कलयुग में हैं। लेकिन अगर आपका गुस्सा आपकी कंट्रोल में नहीं है, गुस्सा आपको कंट्रोल करता है, तो फिर वो आपको खा जाएगा, आपकी बुद्धि को खा जाएगा। नौवां सूत्र कहता है कि अहंकार मन को खा जाता है। जैसे कि गुस्सा आपकी बुद्धि को खा जाता है, वैसे अहंकार आपके मन को खा जाता है। जब इंसान में ईगो बहुत ज्यादा होती है, मैं ये मैं वो, तो उसे अपने से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है। वो समय होता है जब उसका मन मैला होना शुरू हो जाता है और उसके रिजल्ट्स धीरे धीरे ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि चिंता आयु को खा जाती है। ऐसा कहते हैं ना कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है, लेकिन ये जानते हुए भी हम क्या कर पाते हैं। स्ट्रेस होता है तो फिर होता ही है। मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताती हूँ। जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना, तो हमारे फेस पर एक स्पेशल पॉइंट होते हैं, रादर तीन स्पेशल पॉइंट होते हैं, जिसको आप टैप करेंगे। टैप मतलब अपनी दो उंगलियों से इस तरह से टैप करेंगे तो आपका स्ट्रेस इंस्टेंट खत्म हो जाएगा, जिसको हम NLP बोलते हैं। ये एक डिफरेंट टेक्निक है, लेकिन आप करेंगे तो बहुत बढ़िया इफेक्टिव है। 10 मिनट में स्ट्रेस गायब। तो जब बहुत स्ट्रेस हो तो आईब्रोज के बीच में, अंडर आई के नीचे, इधर नोज और अपर लिप के बीच में, चिन के यहाँ पर और यहाँ पर आप टैपिंग कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स हैं आपके चेहरे पे। अगर आप लगातार 3-3 मिनट सब पे टैप करते हैं तो आपका गुस्सा, आपका स्ट्रेस छुमंतर हो जाएगा। ट्राई करके देखिए। 11वां सूत्र कहता है कि रिश्वत इंसाफ को खा जाती है। तो जो लोग रिश्वत लेते हैं, बुरा करते हैं, तो बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है। आपके मन में एक दुगदुगी लगी रहती है कि अभी पकड़े ना जाए, अभी पकड़े ना जाए, तो ऐसी रिश्वत का क्या फायदा। दूध कैसे आपकी स्किन को चमकदार बना सकता है, आगे बताऊंगी। लेकिन पहले आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में मुनाफा बढ़ाने वाली टिप्स तो बता दूं। मैं जो आपको ऑफिस के बारे में बता रही हूँ, ये ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, MNC, अगर आप काम करते हैं तो ये टिप आपके काम की है। तो अगर किसी कार्यालय में, कार्यालय मतलब कोई भी वर्किंग स्पेस में खिड़कियां नहीं है, तो व्यक्ति दूसरों की नजरों से दूर हो जाता है। यानी कि ये बात उन लोगों के लिए तो है ही जो मेजर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं, लेकिन अगर आप ऑफिस में भी काम करते हैं और आपके आसपास लेफ्ट राइट कहीं आपको विंडो नहीं दिख रही है, तो आप लोगों की नजर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि विजन नहीं है। विंडोज मीन्स विजन। आपकी जैसे दो आंखें हैं, अगर आंखें बंद हैं तो फिर कुछ नजर नहीं आएगा ना। इसी तरह से जिस ऑर्गेनाइजेशन में खिड़कियां नहीं है या खिड़कियां दिखती नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की विजन नहीं है। अब आप समझ पाए। तो अगर आपकी ऑफिस एरिया में, आपकी फैक्ट्री हो, शोरूम है, जो कुछ भी है, वहाँ पर छोटी छोटी और ऊंची खिड़कियां, यानी कि बहुत ऊंची है जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो क्या होगा? तो गोल्स ही ऐसे होंगे जो विजन के आसपास ही नहीं होंगे। ऐसे में क्या करें? ऐसे में लैंडस्केप के पोस्टर लगाएं, खूब भर दीजिए लैंडस्केप के पोस्टर से। लैंडस्केप मतलब ऐसी सीनरी, ऐसी पेंटिंग जिसमें दूर तक व्यू आता है। तो जैसे ही आप ये पोस्टर लगाएंगे, आपकी विजन वापस आ जाएंगी।
अच्छा, अगर आपके ऑफिस में खिड़कियाँ कुछ ऐसी हैं जिससे कुछ ऐसे व्यूज नजर आते हैं जो आप नजर नहीं करना चाहते, जैसे हो सकता है कोई कबाड़ खाना हो, कोई जनरेटर हो, कुछ ऐसी चीजें दिखती हो जो देखना नहीं चाहते, तो खिड़की पर पर्दा लगा दे। खराब विजन से अच्छा है कि आप अपनी विजन को ही बंद कर दें और पर्दा जो है वो लाइट कलर का लगाए। और बेटर तरीका ये है कि आप अपनी खिड़की पर खूबसूरत सा पोस्टर लगा दें, ऐसा पोस्टर लगा दें जो आपको एनर्जी दे। कुछ अच्छा मोटिवेशनल कोट लगा दीजिए, कोई वाटर एलिमेंट लगा दीजिए, ग्रीनरी लगा दीजिए, अपनी कोई मेडल वाली फोटोग्राफ लगा दीजिए, कोई ट्रॉफी लेते हुए फोटोग्राफ लगा दीजिए, कुछ नहीं तो जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं की तस्वीर लगा दीजिए। वो सारी चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देंगी बजाय उस चीज के, उस व्यू के जो आपको पॉजिटिव फील नहीं कराता। कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी ढेर सारी खूबसूरत बनाने वाली। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहीं जाइएगा मत, फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी बाकी है, लेकिन पहले ब्यूटी टिप्स तो जानिए। अगर आपको लगता है आपकी स्किन झुलस गई है, उसमें ग्लो नहीं है, तो उसको ठंडक दें। कैसे ठंडक दें? गर्म तौलिए को ठंडे पानी में भिगोकर अगर आप थोड़ी देर रखते हैं, फिर निचोड़कर अपनी स्किन पर लगाते हैं, कुछ देर ऐसे ही बैठ जाते हैं और बार बार करते हैं, तो इससे आपकी स्किन में ग्लो आएगा। और अगर आप पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा या फिटकरी का पाउडर मिला देते हैं, तो ये आपकी स्किन अगर इंस्टेंट झली झुलसी भी है, आप बहुत धूप से आए हैं, तो आपको इंस्टेंट शांत और रिलीफ देगा। दूध में एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं लैक्टो टालियो। ये क्या करता है, ये दूध में जब धूप में भी आप जाते हैं तो ये दूध आपके चेहरे की रक्षा करता है। ये तो सिनोनिम हो गए ना, दूध और धूप। खैर, फिर त्वचा को ये आपके पोषण देता है, तो आप क्या करें कि एक कटोरी में ठंडा दूध डालकर कॉटन की हेल्प से इसको अपनी स्किन पर लगा दें। सूखने के बाद ठंडे पानी से धो लें, फिर जब आप धूप में जाएंगे तो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं वो तरीका जानिए। तो सबसे पहले हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम मुझे लिख के भेजिए 150 वर्ड्स के अंदर, जिसमें आपकी पूरी बर्थ डिटेल्स होनी चाहिए, डेट, टाइम एंड प्लेस। अगर नहीं है तो अपने हाथों की फोटो, अपने चेहरे की फोटो, अपनी हैंडराइटिंग सिग्नेचर्स की फोटो मुझे लिख के भेज दीजिए। आप सभी की प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगी। और हाँ, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आपको हमारी रेमेडी से फायदा आया है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि उसे हम अपने शो में शामिल करेंगे और लोगों की मदद होगी। तो प्लीज हमें लिखकर बताएं, हाँ हम आपको अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। आज हम दिल्ली से ऋतिक बब्बर का सवाल लेते हैं। ऋतिक अपनी नौकरी को लेकर परेशान है, उनके और भी कई सवाल हैं, उन्होंने अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स भेजी है। तो चलिए अब हम ऋतिक से बात करते हैं। ऋतिक, आप नौकरी के साथ साथ किताब लिखने का काम जारी रखें। 2015 के बाद कारोबार करने का योग अच्छा है, उस टाइम प्रॉफिट ज्यादा करेंगे। आप तब तक नौकरी नहीं छोड़िएगा, और सूर्य भगवान को आप गुड़ जल में डालकर जरूर चढ़ाया करें, ये डेली किया करें। और एक पाठ है आदित्य हृदय स्त्रोत्र, इसका पाठ जरूर किया करें। आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और ग्रोथ जरूर मिलेगी। जाने का समय हो गया है, लेकिन आपको ये तो बता दूं कि कल आप और हम क्या बात करने वाले हैं। कल हम बात करेंगे रोज की तरह माँ लक्ष्मी के खास उपाय, जो आपको बनाएंगे माला माल। आप सोचेंगे मैं इतने ढेर सारे उपाय क्यों बताती हूँ, बस एक दिन देख लिए काम हो गया। नहीं, हर दिन आपको कोई भी एक उपाय आप चूज कर लिया कीजिए और वो किया कीजिए। ये डेली नया उपाय नई एनर्जी क्रिएट करेगा, आपकी जिंदगी में पैसे लाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी वो खास टिप्स जिससे नौकरी, चाहे शादी हो, नौकरी हो, सैटिस्फेक्शन हो, हर तरह की समस्या को हम दूर करने वाले उपाय कल खास लेकर आएंगे आपके लिए। और मैं आपको बताऊंगी कि घर की निच कैसे कर सकती है बीमारियों को दूर। ये सारी मजेदार बातें हम कल करेंगे, आपको ढेर सारी जानकारी मैं कल दूंगी। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।